नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना और आप देख रहे हैं डॉक्टर सरदाना पेट केयर टिप्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे मैसेजेस भेजे, स्पेशली कार्तिक भाई स्कूबर चैनल से और पुलकित भाई। अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो मेरे साथ कोलैब कीजिए, मुझे मैसेजेस कीजिए, मिलके कुछ क्रिएटिव करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्लीट ब्लड काउंट इन डॉग्स। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपका डॉग बीमार होता है तो आपका वेटनेरियन कंप्लीट ब्लड काउंट करवाता है, आपके डॉग का एक ब्लड टेस्ट करवाता है। डॉग का ब्लड टेस्ट होता है तो उसके ओनर उसको उठा के एक बार जरूर देखते हैं कि इसकी ब्लड रिपोर्ट में क्या है। तो 80% लोगों को HB का पता लग जाता है और WBC काउंट का पता लग जाता है, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। किसी किसी को प्लेटलेट काउंट के बारे में आइडिया हो जाता है, पर श्योर हो कि कोई भी उसको ब्लड रिपोर्ट को पूरा इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है सभी डॉग ऑनर्स के लिए। तो आज ये वीडियो उसी चीज़ पे बेस्ड है कि आप एक बार ब्लड रिपोर्ट उठाओगे तो आपको 100% पता लग जाएगा कि आपके पेट के साथ क्या प्रॉब्लम है और हमने उसका आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या कैरी ऑन करना है। इसके बारे में मैं डायरेक्ट ज्ञान देने से पहले आपको ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊँगा कि जो डॉग का ब्लड होता है उसके मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन इज़ RBCs, सेकंड वन इज़ WBC, थर्ड वन इज़ प्लेटलेट काउंट। आप सबको पता है जो रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो सी, वो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ज़रूरी होती है हमारी बॉडी में। HB होता है हीमोग्लोबिन, जो लंग से ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमारा सब ऑर्गन लाइव रहते हैं। उसका काम RBCs का होता है। सेकेंड वन इज़ WBC काउंट, जो वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या इसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं। तो जो WBC काउंट होता है वो हमारा मतलब डिफेंस मैकेनिज्म है जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आता है, फॉरेन बॉडी आती है, किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म आते हैं तो WBC काउंट बढ़ जाता है उसको काउंटरेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे जस्ट लाइक डिफेंस मैकेनिज्म है। थर्ड होता है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है, बाई चांस हमारे डॉग की बॉडी में कहीं पर भी ब्लीडिंग होगी तो प्लेटलेट्स वहाँ पर जाके एक ब्रिज बनाती है, वहाँ पर जाके ईंटों की तरह वहाँ पर उस जगह को ब्लीडिंग को रोक देती है। तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो इसका मतलब कहीं पर ब्लीडिंग होगी तो उसको स्टॉप करने के लिए कुछ हमारे बॉडी में सिस्टम, तो प्लेटलेट उस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, जो हम ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के अंदर देखते हैं उसमें 5 मेन पैरामीटर होते हैं। पहला होता है हीमोग्लोबिन, जो हम ब्लड रिपोर्ट में सबसे पहले हमारी नज़र पड़नी चाहिए डॉग की ब्लड रिपोर्ट पर। फर्स्ट वन इज़ हीमोग्लोबिन, सेकेंड इज़ WBC काउंट, जो हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोल देते हैं उसको। तीसरा होता है दोस्तों DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। WBC काउंट का ही अलग टाइप की, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, उसको भी हम कंसिड्रेशन में लेते हैं कि डॉग को किस टाइप का इन्फेक्शन हो रखा है। फोर्थ वन इज़ हीमोक्रिट वैल्यू और लास्ट होता है प्लेटलेट काउंट। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे HB। ये सभी लोगों को पता होता है कि इसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू 12 से 14 होती है। तो ब्लड रिपोर्ट देखते सबसे पहली नज़र इस पे पड़ती है। अगर कम होती है तो लोग कहते हैं अभी एनीमिक हो गया हमारा डॉग, या जो ह्यूमन बींग की भी अगर रिपोर्ट आप देखो तो 10 से कम अगर इसका वैल्यू हो जाती है तो लोग कहते हैं कि एनीमिक हो गया। इसको भी थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करके बताऊँगा कि अगर हीमोग्लोबिन 8, 9, 10 तक होता है तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है, वो हम बड़े ईजिली रिकवर करवा देते हैं डॉग का। जब प्रॉब्लम आती है जब HB 7 से कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है तो हमारे को सीरम एक्सटेंडर लगाने पड़ते हैं, कोलॉइड ड्रिप्स होती हैं जो ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। वो टेम्परेरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह ही काम करती हैं, टेम्परेरली डॉग को सपोर्ट दे देती हैं। कोलॉइड का सोल्यूशन होता है वो आपके वेटनेरियन बड़े अच्छे से जानते होंगे। अगर 7 से कम है तो पहला हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोलॉइड का रहता है और साथ में हम आयरन का इंजेक्शन देते हैं जिससे ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है और ब्लड की जो सेल्स हैं वो HB इम्प्रूव होता है। अगर हीमोग्लोबिन 5 से भी कम हो जाए तो डॉग को इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है, उसको इमरजेंसी में हमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हम क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। फिलहाल के लिए बस ये है कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ये बात है कि अगर 12 से 14 है आपके डॉग का हीमोग्लोबिन तो वो परफेक्टली हेल्दी कंडीशन में है। आगे उन चीज़ों को हमने कोरिलेट करना है। कई बार क्या होता है, एक कंडीशन और होती है, हीमोग्लोबिन कई बार ब्लड रिपोर्ट में बहुत बढ़ा हुआ आ जाता है, 17, 18 भी आ जाता है, तो उसको हमारे को हीमोक्रिट वैल्यू के साथ कोरिलेट करना पड़ता है।
ये डिहाइड्रेशन शो करता है कई बार। आप समझ पा रहे हो कि कई बार हीमोकंसेंट्रेशन हो जाती है, जब पानी की कमी हो जाती है एकदम शरीर के अंदर, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ दिखाई देता है हमारे उसके अंदर, डॉग की ब्लड रिपोर्ट के अंदर। तो वो आप इसको हीमोक्रिट के साथ कोरिलेट करके देखना पड़ता है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। सेकेंड फैक्टर होता है WBC काउंट। WBC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वाइट ब्लड सेल्स काउंट, सब एक ही बात होती है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 से 8 होनी चाहिए, 4000 से 8000, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। WBC काउंट अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ चुका है, जिससे वो बचाने के लिए, बॉडी को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म ने काम किया और WBC काउंट बढ़ गया है। तो ये सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। WBC काउंट जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हमारे को उतनी हाईफाई एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, उतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कितने दिनों के लिए देना है डॉग को और किस टाइप की एंटीबायोटिक्स उसको देनी है, वो हम डिसाइड करते हैं WBC काउंट देख के। दोस्तों ये WBC काउंट है, इसकी मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू 4 to 8 बताई थी। अगर इसकी वैल्यू 4000 से कम हो जाए, वो वायरल फीवर शो करती है हमारे डॉग को, कोई भी पार्वो, डिस्टेंपर, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो जाए, इवन कोरोना वायरस हो जाए डॉग के अंदर, तो ये WBC काउंट कम हो जाता है। कोई भी वायरल डिसीज़ के अंदर WBC काउंट कम हो जाए। थर्ड वन इज़ DLC, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। DLC बेसिकली क्या होता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म में WBCs हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं हमारे को बचाने के लिए, डॉग की बॉडी को बचाने के लिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी सेल्स आती हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, उसको हमारे को असेस करना पड़ता है कि हमारे को उसकी क्रोनिसिटी पता लग जाती है या एक्यूट इन्फेक्शन पता लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का, प्रॉब्लम का इंडिकेटिव होता है WBC काउंट। इसमें सबसे पहली टाइप की सेल्स होती है लिम्फोसाइट, दूसरी होती है न्यूट्रोफिल्स, तीसरी होती है ईओसिनोफिल, और होती है बेसोफिल्स, और एक मोनोसाइट्स। दोस्तों इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, इसकी इससे कोई ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होती भी नहीं। जो ये तीन मेन पॉइंट होते हैं, इनको हमारे को कंसीडर करना पड़ता है, सबसे पहली नज़र हमारे को इस पर पड़नी चाहिए। तो जो लिम्फोसाइट काउंट होता है वो नॉर्मल 40 to 60% होते हैं लिम्फोसाइट नॉर्मल जो डॉग है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, ये दोस्तों क्लियर कट इंडिकेशन होता है क्रोनिक इन्फेक्शन का। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, इनको बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, लिम्फोसाइट्स बढ़ने में काफ़ी दिन लगते हैं, तो इसका अगर 80 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब कि वो काफ़ी दिनों से इन्फेक्शन कैरी कर रहा है आपका डॉग। कई बार लोग हमारे को कहते हैं कि हमारा डॉग कल से बीमार है, जब हम उनका ब्लड टेस्ट करवा के देखते हैं तो लिम्फोसाइट्स बहुत बढ़े हुए हैं, कहते हैं नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, कम से कम 7 दिन से बीमार है डॉग। तो फिर वो मान लेते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब 7 दिन से थोड़ा सा ढीला था, अब आज इसने बिल्कुल खाना छोड़ दिया। तो दोस्तों ये लिम्फोसाइट काउंट उसकी क्रोनिसिटी दिखाता है कि आपका डॉग कितने दिनों से बीमार है। तो दोस्तों इसमें एक और पॉइंट होता है, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है उसमें हमारे को लंबी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। जितना ज़्यादा पुराना इन्फेक्शन होगा उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा दिनों तक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे को डिसाइड करने में बड़ा हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़े हुए हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू 20 to 40% होती है, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो वो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि उसको इमीडिएट इन्फेक्शन हुआ है, उसकी कहीं पर स्वेलिंग है और कहीं पर उसको अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है। कुछ भी इमीडिएट कोई भी डॉग के अंदर चेंज होता है तो वो न्यूट्रोफिल्स उसमें बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमारे को इंटेंस पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी पड़ती हैं उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो हमारे को क्लियर कट पता लग जाता है अभी अभी उसको कुछ हुआ है और कहीं ना कहीं उसके स्वेलिंग है, क्योंकि डॉग हमारे को बता तो सकता नहीं उसको क्या है। हमें दोस्तों कई बार लोग ना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए थोड़े से रिलक्टेंट रहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी बंदे के डॉग के ब्लड की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है ना, वो बड़े दुखी होते हैं कि हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए। वो खुश नहीं होते कि भी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है तो खुशी की बात है। तो दोस्तों कभी भी ब्लड टेस्ट करवाने में रिलक्टेंट मत रहा करो। अगर आपका वेट कहता है कि उसका ब्लड टेस्ट करवाना है तो ज़रूर करवाया करो। बल्कि जो हम तो जो भी डॉग का अगर कुछ किसी टाइप का ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, हर तीसरे चौथे दिन उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाते हैं ताकि हमारे को सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी पता लगती रहे। दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है ईओसिनोफिल्स। ये दोस्तों एलर्जी शो करता है बॉडी की। अगर आपका डॉग किसी भी टाइप से एलर्जिक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 1 से 6 होती है।
अगर इसकी वैल्यू 2 या 3 है या उससे भी ज़्यादा है तो वो एलर्जी शो कर रहा है। तो हम इस चीज़ में हम अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आप मतलब डॉग को क्या खिला रहे हो या कैसे एनवायरनमेंट में रख रहे हो, तो हमें उसका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है या फूड उसका चेंज करना पड़ता है, जिससे कि इयोसिनोफिल से मतलब हमारे को इंडिकेशन पता लगता है कि डॉग एलर्जिक है किसी चीज़ से। तो ये दोस्तों हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए। हीमोग्लोबिन था हमारे डॉग का, उससे हमारे को उसका एनीमिया का पता लग गया। WBC काउंट था, जिससे हमारे को ये अलग अलग क्रोनिसिटी पता लग जाती है डॉग के। हमारे को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या डिसाइड करना है वो हमारे को डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट से पता लगता है। चौथा फैक्टर होता है हीमोक्रिट वैल्यू। क्रिट वैल्यू है उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ RBCs इन द होल ब्लड, कि अगर हम ब्लड को एक्सपोज करो, हम छान दें ब्लड को, तो जिसमें उतना उसमें सॉलिड मैटर निकलेगा और जो लिक्विड मैटर निकलेगा वो हीमोक्रिट वैल्यू शो करता है। तो अगर हीमोक्रिट वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, वो क्लियर कट डिहाइड्रेशन शो करता है आपके डॉग के अंदर। अगर हीमोक्रिट वैल्यू बहुत बड़ी हुई है तो आपको इंटेंस फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी अपने डॉग को। हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर ये वैल्यू ए और हीमोग्लोबिन दोनों बड़े हुए होते हैं तो उसको हम इंटेंस फ्लूइड थेरेपी देते हैं। अगर हीमोक्रिट वैल्यू बहुत बड़ी हुई है और HB उसमें कम है तो उसको हमारे को फ्लूइड थेरेपी देनी है, बिल्कुल स्लो देनी पड़ती है। ये आपके वेटनेरियन डिसाइड करेगा इस चीज़ को देख के। तो मैं आपको कुछ इंप्रेशन दे रहा हूँ कि हीमोक्रिट वैल्यू से हमको ये चीज़ पता लगती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है प्लेटलेट काउंट। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पेट की ब्लड रिपोर्ट के अंदर। जो एक बड़ी कॉमन डिसीज़ है डॉग्स के अंदर, टिक फीवर होता है जो डॉग में, वो प्लेटलेट काउंट से हमारे को पता लगता है। इसकी टेक्निकल टर्म होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब यह है कि ब्लड प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, वो क्लियर कट साइन ऑफ टिक फीवर होता है। 80-90% केसेस में टिक फीवर का ही होता है। उसकी कन्फर्मेशन जो हमने पहले इसके बारे में बताया था, वायरल के बारे में बताया था, या इसका टिक फीवर के बारे में आपको बता रहा हूँ, इनकी कन्फर्मेशन के लिए फर्दर स्नैप टेस्ट होते हैं, जिससे हम पूरा कन्फर्म होकर कह सकते हैं कि ये वाली बीमारी है। प्लेटलेट काउंट कम होने से हमारे को काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि ये 99% टिक फीवर का केस है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है, लाइक करके बताना है। और दोस्तों कुछ लोगों को ये पहली बारी में समझ नहीं आएगी, आई नो दैट, तो इस वीडियो को आपने बार बार देखना है। 5 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो। जब आप इसको टाइम एंड अगेन बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें छप जाएंगी, और जब कभी आप एक्चुअल में ब्लड रिपोर्ट देखोगे तो आपको सारा का सारा कोरिलेट होता जाएगा। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे, मुझे पता है इस चीज़ का, तो उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे और उसका जवाब भी दूंगा मैं आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, अभी वीडियो काफ़ी बाकी है।